अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपने अपने स्टार क्लिक अकाउंट को लॉग इन कर लेना है, ठीक है। ये स्टार क्लिक की वेबसाइट, इसको मैं साइन इन करता हूँ। आपकी जो ईमेल आईडी है उससे आप इसको साइन इन कर दें, ठीक। यहाँ पे एक रोबोटिक वेरिफिकेशन कोड आता है, ये टाइप करेंगे आप, उसके बाद साइन इन करें, ठीक है। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जिससे मैं काम करता हूँ स्टार क्लिक्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट ओपन हो गया है और यहाँ पे एटलीस्ट 24.27 डॉलर्स बैलेंस पड़ा हुआ है, 9.40 रेफरल से भी आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखना है कि हमने अपना ऑटो पे आउट कैसे यहाँ से रिसीव करना है, उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो मैं पे आउट पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि ये देखें, ये पे आउट मेथड है। यहाँ पे कंपनी की जो पॉलिसी है वेबसाइट की, वो ये है कि आपके एटलीस्ट मिनिमम 50 डॉलर होंगे तो आप विदड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास बैंक अकाउंट होता है, वेस्टर्न यूनियन है, किसी भी तरीके से आप करवा सकते हैं। जैसे 50 डॉलर हो, आप रिक्वेस्ट करके ट्रांसफ़र करें तो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन उसके बाद कहता है, यूज़ दिस पेज टू ट्रांसफर योर बैलेंस टू योर प्रेफर्ड मेथड, यू शुड मिनिमम पे आउट अमाउंट इन योर अकाउंट। मिनिमम पे आउट अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कितने जो है ना यहाँ से पे आउट ले चुके हैं। तो ऑटो पे आउट की जो मिनिमम लिमिट है वो 10 डॉलर है। ये आप देख सकते हैं कि दो ऑटो पे आउट विदड्रॉ में रिसीव कर चुका हूँ, ठीक है। और ये उनकी अमाउंट है और बिटकॉइन वैलेट के अंदर मैं इनको रिसीव कर चुका हूँ। तो पेपाल के अंदर भी आप रिसीव कर सकते हैं, बिटकॉइन के अंदर भी। सबसे पहले अपने अकाउंट के अंदर कुछ सेटिंग करनी है, सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। सेटिंग में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड है। मैं पे आउट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो पे आउट सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अपना, अगर पेपाल का तो पेपाल, नहीं तो बिटकॉइन का जो एड्रेस है वो अपने बिटकॉइन का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, इसको सेव कर देना है, ठीक है। आपने बाइनांस के अंदर बनाया होगा या किसी भी कोइन बेस के अंदर। यहाँ पे ऑटो पे आउट सेटिंग डिसेबल किसी के है तो उसको अनेबल कर देना है। और नीचे ऑटो पे आउट मेथड दो आ रहे होंगे, पेपाल और बिटकॉइन, तो आपने बिटकॉइन पे क्लिक करके इसको सेव चेंज कर देना है कि आप अपना ऑटो पे आउट जो है वो बिटकॉइन अकाउंट के अंदर लेना चाहते हैं, ठीक है। ऑटो पे आउट अनेबल, यू विल रिसीव ऑटो पे आउट पीरियोडिकली, ठीक है। जैसे ही आपकी मिनिमम अमाउंट हो जाएगी 10 डॉलर, वो आपको यहाँ पे आपके अकाउंट में सेंड कर देगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो आप समझ लें। आपने एक नई वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है ट्रस्ट पैलेट, ट्रस्ट TRUST TrustPilot.com। ये एक रिव्यू वेबसाइट है, इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। ये एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट है, आप किसी भी वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं यहाँ पे रिव्यू के अंदर कि वो ठीक काम करी या नहीं। तो ये मेरा अकाउंट लॉग इन हुआ हुआ है, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। आपने इसको दोबारा से लॉग इन करना है। लॉग इन कैसे करना है, उसका एक सिंपल सा तरीका है। लॉग इन पे क्लिक करेंगे, वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे देनी है, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना, कंटिन्यू विद ईमेल करना है। वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे देनी है जो आपकी स्टार क्लिक के ऊपर रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं अपनी वो आईडी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको अभी लॉग इन करता हूँ, ये मैं कंटिन्यू विद ईमेल करता हूँ, तो मेरी ईमेल आईडी पे एक कोड मुझे सेंड करेगा, वेरिफिकेशन का कोड। मैं अपनी ईमेल आईडी को ओपन करता हूँ और उस कोड को वहाँ से रिसीव करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, तो ये वेरीफाई होकर मेरा लॉगिन हो जाएगा। मैंने अपनी जीमेल आईडी ओपन की, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक कोड आया हुआ है 4213, मैं यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं कोड पेस्ट करता हूँ, ऑटो वो वेरीफाई कर देता है और यहाँ पे लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने यहाँ पे रिव्यूज़ डाले हुए हैं, तो रिव्यू कैसे डालना होता है वही तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। माय रिव्यूज़ में जाता हूँ, तो ये देखिए स्टार क्लिक के बारे में एक रिव्यू है, ठीक है, कि स्टार क्लिक इज़ अ रियल वर्ल्ड प्लेस, आई हैव रिसीव्ड माई ऑटो पे आउट, द स्टार क्लिक .com इज़ वेरी गुड एंड वेरी ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म, एंड आई रियली इन्जॉय टू वर्क हियर, दिस इज़ रियल वेबसाइट टू अर्न ऑनलाइन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप इसको पढ़ भी लें और इसको जेन में भी लग लें। यहाँ सर्च बार में आके आपने स्टार डैश क्लिक लिखना है, ठीक है, इकट्ठा नहीं लिखना स्टार क्लिक, स्टार डैश क्लिक लिखना है आपने, ठीक है, अंडरस्कोर जो इसके अंदर मौजूद है, आपने इसको लिखना है स्टार क्लिक। ये पहली भी नहीं, दूसरी भी नहीं, ये तीसरी नज़र आ रही होगी, स्टार डैश क्लिक .com, इस पर क्लिक करना है आपने। बाकी वो फेक फेक वेबसाइट्स हैं। ये वो वेबसाइट ओपन करनी है जिसकी रेटिंग आपको नज़र आ रही है 4.8, 19,951 इसके रिव्यूज़ हैं, और देखें इसकी कितने एक्सीलेंट मार्क्स 92 हैं। यहाँ पे ये देखें ऑलरेडी जो हैं रिव्यूज़ मेरे वो हैं, तो मैं एक रिव्यू आपके सामने भी पोस्ट कर देता हूँ कि रिव्यू यहाँ पे कैसे करना होता है। राइट अ रिव्यू पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और 5 स्टार आपने इसको रेटिंग देनी है। ये राइट अ रिव्यू पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको रेट योर रिसेंट एक्सपीरियंस
5 स्टार देना है, और जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि टाइम की कमी है तो आपने इसको टाइप भी कर लेना है कि स्टार क्लिक इज रियल वर्क प्लेस, आई हैव रिसीव्ड माई ऑटो पे आउट, द स्टार क्लिक वेरी गुड एंड वेरी ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म, आई रियली एंजॉय टू वर्क हेयर। आपने क्या करना है, इसमें मैंने लिखा हुआ आई हैव रिसीव्ड माई ऑटो पे आउट, ये आपने यहाँ से लाइन हटा देनी है, ठीक है? सिंपल, आपने बाकी चीज़ें लिखते रहनी है, ठीक है? कि आपने इस वेबसाइट पे काम किया तो ये रियल है, आपकी अर्निंग वहाँ पे शो हुई हुई है, ठीक है? इसके बाद आपने नीचे आ जाने, गिव यू अ रिव्यू अ टाइटल, टाइटल क्या देना है? तो होता क्या है कि जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है वही आपका टाइटल क्रिएट हो जाता है ऑटो में, ठीक है? इसको वैसे ही रहने दें। उसके बाद आप नीचे देखें, इंटर योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, पे आउट प्रॉब्लम मस्ट फर्स्ट ई मेल सपोर्ट एट द रेट starclick.com, कि हमने starclick.com को ई मेल करनी है, और हमने टाइटल सब्जेक्ट के अंदर अर्जेंट लिखना है, मतलब कि अर्जेंट इसलिए कहते हैं कि हमें जो है ना ऑटो पे आउट दिया जाए। इंक्लूड योर रजिस्टर्ड ई मेल एड्रेस, पे आउट प्रॉब्लम मस्ट फर्स्ट ई मेल सपोर्ट एट द रेट starclick.com, राइट अर्जेंट इन सब्जेक्ट सो इट्स ईजियर फॉर starclick.com टू आइडेंटिफाई यू एंड रिप्लाई टू योर रिव्यू। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने लाजमी पढ़नी है कि आपने एक मेल करनी है इस रिव्यू की, जो आप रिव्यू डालते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके उनको मेल करनी है कि हमने इस ईमेल आईडी पे, देखें support@star-click.com, और यहाँ पे मैंने वो ईमेल आईडी देनी है जो मेरी रजिस्टर्ड है स्टार क्लिक के ऊपर और जिससे मैं मेल कर रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रखना है, वही सेम ईमेल आईडी रखनी है, ठीक है? कंफर्म कर लेना है और पोस्ट रिव्यू कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप पोस्ट रिव्यू करते हैं तो आपका रिव्यू जो है ना वो पेंडिंग में चला जाता है, ठीक है? ये रिव्यू आपका पेंडिंग में चला गया। अब आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करें तो वहाँ आपका रिव्यू पोस्ट हो गया होगा, मतलब विद इन 2 to 3 सेकेंड आपका रिव्यू पोस्ट हो जाता है, ठीक है? ये देखें 29 दिसंबर, ये आज की वीडियो का, मैं इनबॉक्स में जाता हूँ तो ये देखें रिव्यू मेरा जो है वो पोस्ट हो गया है, ठीक है? लाइव ऑन ट्रस्ट पैलेट सी योर रिव्यू, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका रिव्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो आज आपने पोस्ट किया है, ये मोहम्मद आमिर के नाम से, ठीक है? December 29 का ये रिव्यू है स्टार क्लिक का जो हमने दिया था। आपने क्या करना है कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इस रिव्यू का, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर देना है स्टार क्लिक के नाम से, ये मैं इसको सेव कर देता हूँ स्टार क्लिक्स रिव्यू, ठीक है? ये चीज़ें ध्यान से देखनी, कोई चीज़ मिस नहीं करनी वरना समझ नहीं आएगी वीडियो को, ठीक है? और इसके साथ साथ आपने नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और आपने लाइक भी कर देना है इस वीडियो को। ये मेरी वही ईमेल आईडी है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखें ये वही हम अपने अकाउंट का जो है ना एडिट प्रोफाइल के अंदर देखें, ये मेरी वही ईमेल आईडी है जो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई थी, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, कंपोज में आके एक मेल करनी है, वो जो हमने ईमेल आईडी कॉपी की थी support@starclick.com / ठीक है, ये वहाँ पे मौजूद होगी, इसको हमेशा कॉपी कर लें। सब्जेक्ट के अंदर आपने लिखना है अर्जेंट, ठीक है? अर्जेंट मैं लिख देता हूँ। इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उनको एक मेल करनी है, वो मेल क्या करनी है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो मेरे पास एक ईमेल है जो मैंने सेंड की हुई है पिछले पे आउट की, वो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, आप देख के आप भी टाइप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेल देखता हूँ, फर्स्ट मेल कब गई थी, ठीक है? ये पढ़िए, इस मेल में देखें मैंने ये मेल की थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद मैं इसको यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। ये वो मेरी ईमेल आईडी, डियर स्टार क्लिक टीम, आई हैव डन अ रिव्यू एट अ ट्रस्ट पैलेट विद 5 स्टार, काइंडली इशू माई ऑटो पे आउट पेमेंट सो दैट आई कैन कंटिन्यू वर्क विद स्टार क्लिक्स इन फ्यूचर ऑल्सो, मोस्ट ऑफ माई रेफरल्स आर वेटिंग फॉर माई फर्स्ट पे आउट, आफ्टर दैट दे विल परचेज गोल्ड मेंबरशिप, ठीक है? और यहाँ पे आपने एक ध्यान रखना है कि अपनी अकाउंट आईडी लाजमी देनी है, माई अकाउंट आईडी, ये वो है जो आपका रेफरल लिंक होता है, ठीक है? मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ से आता है, आप अपने स्टार क्लिक अकाउंट में जाएँ, रेफरल्स में जाएँ, रेफरल लिंक्स में जाएँ, ठीक है? ये यहाँ पे 3-4 लिंक्स आ रहे होते हैं, ये सारा एक ही होता है मतलब इसका, तो मैं इसमें से कोई ये कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी एक पेस्ट किया हुआ है, ठीक है? ये मेरा रेफरल लिंक है जो फर्स्ट वाला था, ठीक है? ये वो जो फर्स्ट वाला था ये रेफरल लिंक है, सेम है सारा, इसको मैंने कॉपी किया था या मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है? तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, रिव्यू एविडेंस अटैच। अब ये क्या चीज़ है जो आपने अभी रिव्यू दिया था ट्रस्ट पैलेट के ऊपर, डेस्कटॉप से उसको आपने अटैच कर देना है इसके साथ,
स्टार क्लिक रिव्यू के नाम से, तो जी ये रखा हुआ है ये, इसको आपने ओपन कर देना है। उसके साथ साथ आपने पिक्चर की सूरत में भी अटैच कर दें तो बेहतर है, अदरवाइज ये भी चल जाता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, ठीक है, इंसर्ट, ये इसके साथ आपने इसको अटैच भी कर देना है। अपलोड्स में चले जाएं, अपलोड्स में चूज़ फोटो टू अपलोड, यहाँ से वो रिव्यू में अटैच कर देता हूँ, स्टार क्लिक रिव्यू ये पड़ा है, ठीक है, ओपन कर दिया तो ये आपका ये भी अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है मेल को, ये सेंड हो गई है। जैसे आप मेल सेंड करेंगे तो आपके पास इनबॉक्स के अंदर एक मेल आ जाएगी स्टार क्लिक्स वालों की तरफ से, ठीक है, 30 सेकंड 1 मिनट के बाद आ जाएगी। जैसे मेल आ जाएगी तो उसमें आप देख सकेंगे कि उनको मेल आपकी रिसीव हो गई है, तो वो आपकी जो है ना रिव्यू करने के बाद पे आउट इशू कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा तरीका था जो मैंने अभी आपको सिखाया कि किस तरीके से आपने ऑटो पे आउट के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक दफ़ा होता है हर महीने, अगर आपका ऑटो पे आउट नहीं आता तो इस तरह आपने ट्रस्ट पैलेट के जरिए रिव्यू डाल के उनको रिमाइंडर करना होता है। ये मेरा बैलेंस है $24.27, ये रिमेनिंग है, और इससे पहले ये देखें मैं 2 ऑटो पे आउट रिसीव कर चुका हूँ $10 के बिटकॉइन अकाउंट के अंदर। ये आपके सामने लाइव है, कोई फेक नहीं है, रियल वेबसाइट है। आप वर्क करते हैं सिल्वर मेंबरशिप पे, गोल्ड मेंबरशिप पे काम करते हैं तो इससे ज़्यादा आपको मिलते हैं, ठीक है। ये देखें उसकी जो है ना रिव्यू आ भी चुका है कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, आपका ये आईडी है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स होती हैं तो जिसकी वजह से हम टाइमली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, फिर भी कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन वो पहले कहते हैं कि आप चेक कर लें कि आपने जो चीज़ अप्लाई की है वो ठीक है या नहीं, तो ये support.starclicks.com, इससे मैं चेक करता हूँ। तो आपके बहुत सारे सवालात होंगे कि ये पे आउट कब आएगा, कितना पे आउट कर सकते हैं, हमें खुद अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं, या मिलता भी है या नहीं। तो यहाँ पे मैं पे आउट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारे आपके सवालों के जवाब दिए हुए हैं। डू आई रिसीव पे आउट इफ आई क्लोज माई अकाउंट, व्हाट इज़ ऑटो पे आउट, मिनिमम पेमेंट कितनी होती है, क्या हम खुद सेट कर सकते हैं या वो खुद देते हैं, या मुझे रिसीव नहीं हो रहा। तो ये देखिए, व्हाट इज़ ऑटो पे आउट, ऑटो पे आउट होता क्या है। ऑटो पे आउट सेंड योर बैलेंस टू योर चूजन मेथड ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें आप जो टर्न ऑन करते हैं सेटिंग में जाकर, जिस तरह मैंने शुरू में किया था। यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ नोट करें कि यू नीड टू बी एन एक्टिव सिल्वर मेंबर अकाउंट। एक्टिव का मतलब ये है कि आप डेली बेस पे काम कर रहे हों, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप महीना काम छोड़ दें उसके बाद आप कहें जी मुझे ऑटो पे आउट दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम टू रिसीव ऑटो पे आउट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। मतलब ये नहीं कि आज आपने किया तो आपको कल ही ऑटो पे आउट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी 2 दिन भी आता है, कभी 10 दिन बाद भी आता है, कभी महीना भी लग जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा है 1 से 2 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और ज़्यादा जल्दी किन को जाता है, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल्स होते हैं, जिनके ज़्यादा रेफरल पेपर हों या ज़्यादा पुराना हो, उसको जल्दी ऑटो पे आउट दे देती है वेबसाइट, ठीक है। ऑटो पेमेंट पे आउट ओनली टू बी एक्टिव मेंबर्स, यू नीड विल नॉट रिसीव ऑटो पे आउट इफ़ यू डू नॉट वर्क विद योर अकाउंट। क्या आपने $10 अर्न कर लिया, आप महीना 2 महीना काम नहीं किया, उसके बाद आप कहते हैं ऑटो पे आउट आ जाता है, ऐसा नहीं। आपको एक्टिव रहना पड़ता है, 2-4 दिन का गैप आ जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि आप एक्टिव हों, डेली बेस पे ऐड देखते हों और एक्टिव होते हों, ठीक है दोस्तों। ये तमाम चीज़ें थी लर्न की। इसके अलावा आप बहुत सारे सवालात हैं कि मतलब मिनिमम पे आउट कितना होता है, कि क्या मेरा अगर अकाउंट क्लोज हो गया तो ऑटो पे आउट रिसीव कर सकता हूँ, पेपाल के ज़रिए अगर पेंडिंग हो, या मैं पे आउट नहीं रिसीव कर रहा, ठीक है, ये स्कैम तो नहीं है, पेमेंट प्रूफ कौन कौन से हैं, कितने लोग ले चुके हैं, कितने मुल्कों में, वेरीफाई कैसे करना होता है, ये सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उम्मीद है आज आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको तमाम चीज़ें समझा सकूँ। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको मिलती रहें। ये वो सारे ऑटो पे आउट हैं जेन्युइन जो मैंने अर्न किए थे और आपको बता रहा हूँ। अभी भी मेरे अकाउंट के अंदर देख चेक कर सकते हैं, $24 पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये इंशाल्लाह ऑटो पे आउट ये भी रिसीव हो जाएगा, और $20 इससे पहले मैं रिसीव कर चुका हूँ, ठीक है। तो पे आउट का मतलब यही होता है दिखाने का कि आप इसको देखें, इसको अर्न करें, कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है।